जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, MD होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। नाम बदल गया है, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से नाम बदल गया या फिर कुछ और नहीं बदला, सिर्फ नाम बदल। तो वही सिंगल पटरी वाली ट्रेन, लाइट नहीं, गांव में आज भी पानी नहीं, आमदार यहाँ के MLAs खुद के टैंकर लगा के लोगों को पानी सप्लाई करते हैं और बड़प्पन कमाते हैं, और यहाँ के बेवकूफ़ लोग वाह 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 MLA साहब क्या बात है क्या बात है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि तुमको कंट्रोल कर रहे हैं, तुम्हें पानी नहीं दे रहे, तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, ये तुमको अंडर डेवलप रख रहे हैं। अगर तुम्हारे बच्चों को तुमको अगर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए फुल, तुमको अगर पानी मिल जाए फुल, तुम अपनी खेती खुद करोगे, खेती करोगे तो उत्पादन करोगे, उत्पादन करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा बच्चों को, अच्छे स्कूलों में दाखिल करोगे, तुम्हारे बच्चे एजुकेट हो जाएंगे तो तुम्हारे बच्चे सवाल पूछेंगे, तुम्हारे बच्चे उन MLAs उस MP से सवाल पूछेंगे, अब जब सवाल पूछोगे तो ये लोग आम आदमी पार्टी जैसी एक नई पार्टी बना के कंट्रोल के लिए खड़ी कर देंगे। आपको लगेगा हमने तो चेंज कर दिया, चेंज कुछ नहीं होता है, जैसे इनको लगा था कि महामारी का ड्रामा ये खेलेंगे और पनीर टिक्का कोई विरोध करेगा नहीं, तो हम ही अपने 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 हीरो खड़े करेंगे और उनसे विरोध करवाएंगे और विरोध ऐसा करवाएंगे कि लोगों को लगेगा कि देखो क्या विरोध हुआ है। और बाद में कल मुझे एक बंदे ने मेरे फेसबुक पे एक कमेंट किया, सर आपने जो कहा था सर बिल्कुल वही हुआ, वो मुंबई का यूट्यूबर जो है वो अब पनीर टिक्के का समर्थन कर रहा है। अरे वो अकेला नहीं कर रहा है, वो जो उसके साथ थे ना पूरी की पूरी टीम, वो पूरी की पूरी टीम समर्थन कर रही है सबके सब। एक वीडियो था, वो कोई तो था ना नागपुर का चैनल वाला, उसके एक डिबेट में सारे के सारे बैठे हुए और सारे के सारे मोदी जी को किस तरह से इनोसेंट बच्चा है वो, लॉलीपॉप चूसने वाला, वो दिखाया जा रहा था मैंने कहा ना अकेला खड़ा हो, अकेला सोलर फ्लेयर ब्लास्ट हो रहे और उसकी फोटोन एनर्जी जो है वो पृथ्वी पे बम्बार्डिंग कर रही है, और आप लोगों का जो पनीर टिक्का लिया है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सेल्फिश है, जो मे से हम बने नहीं हैं, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। लोगों की उन 35 से 37 करोड़ लोग भारत के जो बचने वाले हैं 2025 के बाद में, उनमें से कुछ गिने चुने होगा 37 करोड़ लोगों का भारत के पूरे पृथ्वी पे 67-70 करोड़ पूरे पृथ्वी के, उनका भी DNA अपग्रेड होगा, मगर गिने चुने एक पूरे पृथ्वी के एक समझिए 15 से 20, यानी जो 70 करोड़ बचने वाले हैं इनमें से 15 से 20 ऐसे रहेंगे जिनका DNA एक सुपर लेवल पर अपग्रेड होगा, और जो आपने मूवीज देखे होंगे X-Men, सुपरमैन, एवेंजर्स,
एजेंट ऑफ शील्ड्स, ब्रह्मास्त्र, तो वो जो चोजन वन है उनके डीएनए एक सुपर लेवल पे मेटामॉर्फोसिस में जाएंगे। वो कहा था अनुराग शर्मा जी की वीडियो में, इंटरव्यू में, जब वो वीडियो हुआ था, अब जो महाभारत होगा वो आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको समझेगा कि क्या चल रहा है। जिस दिन मैंने आना आपके बताना बंद कर दूंगा, आपको नहीं पता रहेगा कि क्या चल रहा है महाभारत में। मैंने कल कहा था अशोका सम्राट, द महान ग्रेट सम्राट अशोका, आपको एक गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। इल्लुमिनाटी को लगता है कि वो रूल करेंगे, हम क्या गोटा खेलने आए यहाँ पे, हम क्या गोटा खेलने आए, तुम रूल करोगे तो हम क्या बैठे बैठे यहाँ पे गोटा खेलेंगे, तुम्हारी सीक्रेट सोसाइटी है तो भाई साहब हमारी भी है, हमारी भी है। द ग्रेट अशोका की बनाई हुई सीक्रेट सोसाइटी आज भी है, उसके मेंबर आज भी है, और वो हिडन नॉलेज जो तुम्हारे पास भी नहीं है, तुम्हारे कबाल ने, तुम्हारे कबाल वालों को उस रेप्टिलियंस ने जो भी दिया है उससे 50 गुना ज़्यादा नॉलेज हमारे सोसाइटी के पास है। जब आएंगे तो वो सलाहकार कमेटी, 9 मेंबर्स सीक्रेट सोसाइटी, वो हमारी सलाहकार रहेगी और एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज जो हाइड कर रखा गया वो सामने आएगा। और एक सुपर टेक्नोलॉजीज, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है जो इस पृथ्वी को टेक्नोलॉजिकली 4th लेवल सिविलाइजेशन बनाएगी, वो नॉलेज हम तब बाहर निकालेंगे। कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, हम तुम्हें पल्ले पढ़ाने के लिए आए नहीं हैं। जिसका जितना IQ है उतने लेवल पे वो समझेगा, और हम हर किसी को समझाने के लिए आए नहीं, ये ले भाई चम्मच से दूध पी, चम्मच से खाना खा, चम्मच से पानी पी, वो वक्त नहीं है हमारे पास। मैंने कहा था कल तुम मुझे क्या समझते हो, वो जो चोजन वन, वो जो स्टार सीड्स, वो जो 144,108 जो है, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है एज अ सेनापति, और राजा जो रहता है, जो डिवाइन है, जो राधे है, अब तक वो सामने आया नहीं है, वो सामने आई नहीं है, वो आएंगी तो भी तुमको पता नहीं चलेगा। उसने आदेश दे दिया है, शंखनाद कर दिया है, शस्त्र चूज करो। आज सेनापति, मैंने कल आपके सामने पहले बोल दिया होगा कि पांडवों शस्त्र चूज करो, ये आदेश था, ये मेरा आदेश था एक सेनापति का कि शस्त्र चूज करो, क्योंकि जब युद्ध छिड़ता है, शंखनाद जब होता है, तो युद्ध का प्रिपरेशन, युद्ध की नींव ये सेनापति डिसाइड करता है। अब शंखनाद हो चुका है, मेरा शस्त्र
दोस्त ने मुझे चूज कर लिया। अब उसी तरह से सारे पांडवों को 144,108 उनको अपने अपने शस्त्र उनको उनको चूज करेंगे। मजाक लग रहा होगा किसी को, लगने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लीजेंड है, हम लीजेंड है, हम इतिहास लिखेंगे। जिनको मजाक लग रहा है वो इतिहास के पन्नों में कहाँ गायब हो जाएंगे इनको भी पता नहीं है। तो जो इतिहास में गायब हो जाएंगे उनको कौन गौर करेगा? तुम्हें पता है सम्राट अशोक के साथ और कौन थे? नहीं पता है, क्योंकि इतिहास में उनके नाम नहीं है। तो इतिहास में जिसका नाम लिखा जाता है ना उसी को याद रखा जाता है, और हम इतिहास लिखने आए हैं, इतिहास हम ही से लिखा जाएगा। मजाक लगता है, लगने दो, फर्क नहीं गिरता है। किसी को समझाने के लिए पैदा नहीं हुए, ये वाला आखिरी है। इस युग को बदल के जाएंगे, इस युग को बदल के, इस कलयुग को खत्म करके जाएंगे, आएंगे तो हम ही। अभी शस्त्र नहीं उठाए हैं, अभी तो शस्त्र चूज हो रहे हैं। अक्षय तृतीया को, 22 अप्रैल को मेरा जन्मदिन है, मेरा बर्थडे, उस दिन शस्त्र पूजन होगा, और वो 5th dimension में होगा। सारे के सारे 144,107 मेडिटेशन बैठेंगे, और रियल जो शस्त्र है 5th dimension में, ब्रह्मास्त्र, पशुपतिनाथ अस्त्र, वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र, भूमि अस्त्र, ऐसे कई सारे उन वीरों के, उनका सभी एक साथ उस 5th dimension में शस्त्र पूजन होगा, और बाद में वो शस्त्रों को उस हिसाब से वो इस कल की महाभारत 2.0 में वो चलाएंगे। पुराना पूर्व महाभारत 18 दिन चला था, ये 18 साल चलने वाला है, उसमें से 11 साल खत्म हो चुके हैं, 7 बाकी है। 2029 के एंड में वो पूरा किया जाएगा। कौरव, ये कबाल वाले, ये इल्यूमिनाटी वाले, ये सरकारें तुमने तुम्हारे सारे अस्त्र खेल चुके हो, हमें घरों में बंद करके, हमें पनीर टीका लगा के, 3+2G चला के, बायोफोर्टिफाइड जीओमो अनाज हम पे थोप के, हमारे देश को कर्जों में डुबा के, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी, सस्ता पेट्रोल, सस्ता अनाज महंगा करके तुम हमारे साथ सब शस्त्र खेल चुके हो। इतना याद रखिए, 144,000 में से इस भारत में मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ, पूरी टीम अभी डीप मेडिटेशन में है, डिवाइन अभी भी आपके सामने आया नहीं है। अब तक मैंने सिर्फ मेरी कुंडली एनर्जी लगाई है, मैंने उठाए हैं, कल आफ्टर 3 days 3 दिन के मेडिटेशन के बाद में मेरे शस्त्र ने मुझे चूज किया। अभी मैंने वो धारण नहीं किया है, अभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, मगर यहाँ जितने भी धर्मगुरु बैठे होंगे, जितने भी एस्ट्रोलॉजर बैठे होंगे, जितने भी कुंडली के ज्ञानी बैठे होंगे, जितने भी पंडित बैठे होंगे,
समझ रहा हूँगा कि मैं क्या लेवल की बात कर रहा हूँ। कुंडलिनी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये हर किसी के लिए नहीं रहता है। मेरा जो कनेक्शन है इस गाया के साथ, इस पृथ्वी के साथ, वो तोड़ पाओगे तुम? उलट तुम मेरा है ना गुस्सा दिलाओगे ना, तो जो चीज़ मैं आराम से कर रहा हूँ फिर मैं अग्रेसिवली कर लूँगा। गुस्सा मत दिलाना चाचा, गुस्सा मत दिलाना। गुस्सा आ गया था 20 तारीख को, 21 को देख लेना क्या हो गया, 6.8। अगली बार गुस्सा आएगा तो 8 का दे दूंगा झटका। नहीं हो रहा है नसीब है तुम्हारा, मेरे गुस्सा नहीं आ रहा है और अभी मैंने शस्त्र नहीं उठाए हैं। प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। एवरीथिंग एनर्जी, तो उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए उस शस्त्र के मुझको मेरी आत्मिक एनर्जी, कुंडलिनी एनर्जी, मेरे को उस लेवल पे ले जानी पड़ेगी। और ये कोई रेगुलेटर नहीं है, घुमा दिया और बढ़ गई, इसको उतना डीप मेडिटेशन उस लेवल पे एनर्जी कनेक्शन अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है तो पाया मजबूत होना चाहिए। तो उस तरह से वो जो शस्त्र है उसको उठाने का है, तो उसको उठाने के लिए भी उस लेवल का फाउंडेशन एनर्जी रिक्वायर करती है। ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ये जानवरों के लिए बोल रहा हूँ। जैसे मैंने कहा इस भारत में हर चीज है, बाकी तो सब झारे बैठे वीडियो को सुन के कॉपी करके पेस्ट करते, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ये आ रहा है वो आ रहा है ये आ रहा है वो आ रहा है, झारे मार रहे हो, भजे तल रहे, बड़ा पाव तल रहे हो कब तक मारोगे झारे, कब तक? जब आएंगे ना सबसे पहले उन झारे के YouTube पहले सबसे ब्लॉक होंगे और उनकी नंगी बारात निकालेंगे बहुत झारे मारे तुमने कब तक झारे मारोगे? वो पांडवास, सभी पांडव जो भी है उसको अपनी अपनी चैलेंजिंग हो चुकी है, आपकी अपनी स्क्रिप्ट उनके पास आ चुकी है। अब ये आदेश डिवाइन से आया है जो मैं आपको दे रहा हूँ, उन पांडवों को अपने अपने शस्त्रों का मेडिटेशन स्टार्ट करो। 22 तारीख के पहले अपने अपने शस्त्र धारण करो और 22 अप्रैल 2023 अक्षय तृतीया शस्त्र पूजन होगा। अगला आदेश उसके बाद देंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्णा, जय कल्कि भगवान।